सो गाइस, कुछ दिन पहले ही हमने देखा Assassin's Creed Valhalla का ट्रेलर। ये एक गेमप्ले ट्रेलर नहीं था बल्कि एक सिनेमैटिक ट्रेलर था, लेकिन इसके अंदर के सिनेमैटिक शॉट्स बहुत ही कमाल के थे। ओडिन, रियली? ओ, इसका मतलब ये नॉर्स माइथोलॉजी में बेस्ड है। क्रेटोस के लिए कंपटीशन। इसी सीन का तो हमें इंतजार था, अटैक विद हिडन ब्लेड्स। वैसे तो Assassin's Creed फ्रेंचाइज में बहुत कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, द हिडन ब्लेड्स। और हमने इन्हीं हिडन ब्लेड्स को यूज करके ना जाने कितने एनिमीज को मारा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस वेपन को यूज करने के लिए हमें एक फिंगर सेक्रीफाइस करनी पड़ती है? सो हे गाइस, और एक बार फिर से आपका स्वागत है फीवर ग्रास्प में। और ये फीवर ग्रास्प है ना कि फीवर ग्रैप्स, काफी लोग गलत बोलते हैं। और आज हम जानेंगे हिडन ब्लेड्स के बारे में। डिजाइंस एंड फिंगर सैक्रिफाइस। हिडन ब्लेड्स एक असैसिन के लिए सिग्नेचर वेपन है और इसे डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ असैसिनेशन के लिए। पहले के हिडन ब्लेड्स की डिजाइन कुछ इस तरह से थी कि उसे यूज करने के लिए एक असैसिन को अपनी रिंग फिंगर सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी। इससे हिडन ब्लेड को यूज करना बहुत ही आसान हो जाता था। और अपनी एक फिंगर को सैक्रिफाइस करना एक असैसिन के कमिटमेंट को भी शो करता है, और ऐसे असैसिन को पहचानना भी आसान हो जाता है। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब Assassin's Creed Origin में बायक ने इडोरोस को इसी हिडन ब्लेड से मारा था और इसकी रिंग फिंगर कट गई थी। और फिर 13th सेंचुरी में इसके डिजाइन को रीमॉडिफाई कर दिया गया था, और इसके बाद से फिर कोई सैक्रिफाइस की भी जरूरत नहीं थी। और इसके बाद एक असैसिन को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब उनके फिंगर को जब सैक्रिफाइस नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी एक असैसिन के डिवोशन को शो करने के लिए उनके रिंग फिंगर को थोड़ा बेंड कर दिया जाता है। और कुछ असैसिन्स अपने डिवोशन को शो करने के लिए अपने रिंग फिंगर पे एक टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्पेनिश असैसिन्स हैं जो अपने कमिटमेंट को शो करने के लिए अपनी रिंग फिंगर सैक्रिफाइस कर देते हैं। सो हमने ये तो जान लिया कि कब फिंगर सैक्रिफाइस करनी है और कब नहीं। और अब थोड़ा डीप में चलते हैं और जानते हैं इसके कंपोनेंट्स। एप्पल ऑफ ईडन की मदद से एल्टायर ने एक लॉस्ट हिडन फॉर्मूले को रीडिस्कवर कर लिया था। वो लॉस्ट फॉर्मूला हिडन ब्लेड्स का था। उस लॉस्ट फॉर्मूले में एक सीक्रेट एलॉय के बारे में लिखा हुआ था, और एंशिएंट लोग इसी एलॉय को यूज करके हिडन ब्लेड्स बनाते थे। इस गेम में एंशिएंट ईसु नाम की एक सभ्यता थी जो ह्यूमनॉइड बींग्स में सबसे एडवांस स्पेसीज थी। यही सभ्यता इस एलॉय के बने हुए हिडन ब्लेड्स को यूज करती थी, लेकिन वो एलॉय बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल था। और इसे बनाने वाला ये भी नहीं चाहता था कि ये किसी क्रिमिनल के हाथों में जाए, इसलिए उसने इस फॉर्मूले को हर रिकॉर्ड से इरेज कर दिया था। फिर उसके बाद हिडन ब्लेड्स बहुत ही नॉर्मल मेटल से बनने लगे, जैसे कि आयरन। लेकिन आयरन से बने हिडन ब्लेड्स की ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं अगर उनसे अटैक बहुत ही फोर्स के साथ किया जाए। और ऐसे आयरन से बने हुए हिडन ब्लेड्स को कॉम्बैट के लिए डिजाइन भी नहीं किया जाता है। और गेम में भी काफी असैसिन्स के ये हिडन ब्लेड्स टूट चुके हैं, जिनमें से एक एजियो ऑडिटोरे के भी हैं। लेकिन अगर ये हिडन ब्लेड्स उस सीक्रेट एलॉय से बना हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। सो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हिडन ब्लेड्स की हिस्ट्री। सो फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज हिडन ब्लेड्स का हुआ था 5th सेंचुरी BCE में ऐसे एरिया में जिसका नाम था मॉडर्न डे ईरान। और पहली बार डेरियस ने इसे यूज किया था किंग जेरेजस 1 को असैसिनेट करने के लिए। फिर हिडन ब्लेड्स का यूज फर्दर एक्सटेंड हुआ इजिप्ट में टोलेमिक किंगडम के टाइम पे। इजिप्ट में फिर ये हिडन ब्लेड्स आया को मिल गया था। फिर आया ने इसे अपने हस्बैंड बायक को दे दिया था। सो फिर बायक ही था जब ये हिडन ब्लेड्स को यूज कर रहा था, तब उसके रिंग फिंगर कट गई थी, और तभी से रिंग फिंगर को काटने की प्रथा शुरू हुई थी। और ये सब हुआ था Assassin's Creed Origin के टाइम पे। फिर 12th सेंचुरी के टाइम तक Assassin's के लिए हिडन ब्लेड एक रेगुलर आउटफिट का पार्ट बन चुका था। इस ब्लेड्स को असैसिनेशन के लिए यूज करना बहुत ही आम बात हो चुकी थी। ऐसा इसलिए था कि एक असैसिन अपने एनिमी से इस ब्लेड को आसानी से छुपा सकता था और बहुत ही कम टाइम में अपने एनिमी को एलिमिनेट भी कर सकता था। और इसके बाद एल्टायर इब्न लहद का टाइम आया, और वो एल्टायर ही था जिसने एप्पल ऑफ ईडन की मदद से इस हिडन ब्लेड्स को रीडिजाइन किया और उसे ऐसा बनाया कि इसे यूज करने के लिए किसी को भी रिंग फिंगर सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़े। और एल्टायर की डिजाइन इतनी कमाल की थी कि उसके बाद से हिडन ब्लेड्स फिर इसी तरह से बनने लगे। एल्टायर ने इस मॉडिफिकेशन को कोडेक्स पेजेस में रिकॉर्ड करके रख लिया था। फिर सेंचुरीज बाद एजियो ऑडिटोरे को ये कोडेक्स मिले, और एजियो ने इस कोडेक्स को लियोनार्डो दा विंची को दिया। फिर लियोनार्डो ने इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए, जिसमें से एक था मेटल प्लेट को ब्लेड्स के टॉप पे लगाना, जिसके वजह से एनिमीज के अटैक को डिफ्लेक्ट किया जा सके। और लियोनार्डो ने एक ऐसा हिडन ब्लेड्स भी बनाया जो दूसरे आर्म पे लग सके, जिसके वजह से हम एक साथ दो एनिमीज को असैसिनेट कर सकते हैं। और इसके बाद ब्लेड्स में काफी सारे चेंजेस आए, लेकिन वो सब बहुत ही माइनर चेंजेस थे, और जितने भी बिग चेंजेस थे वो सारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। और ये थी पूरी कहानी हिडन ब्लेड्स की।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें इसे अपने ब्रदरहुड में। नीचे कमेंट करके बताएं इस गेम में आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। एंड फाइनली प्लीज सपोर्ट करें फीवर ग्रास्प को सब्सक्राइब करके।